अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। आमिर भाई के साथ एट अलादल गोट फार्म पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई के वहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, 5 किलो 7 किलो 8 किलो ऑन एन एवरेज बकरे अच्छे खासे गेन कर रहे हैं जो जो हमने निकाला। तो आमिर भाई जो है उनकी गोट फीड बताएंगे एंड ही विल शेयर व्हाट ही फीड्स टू द गोट्स, है ना आमिर भाई? जी भाई। ये रेगुलर फीड है कि आपकी अलग है दूसरे फार्म से? रेगुलर फीड से फाद भाई, अक्सर यही चलती है अक्सर। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये विंटर का बता रहे हो कि थ्रू आउट द ईयर है? ये विंटर का है, बस इसमें कैसा है रेशियोस के फर्क आते रहते सीजन वाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सुबह में क्या देते हो, पूरा रूटीन बता। बैठे रहिए। सुबह में ना अपना जो स्टार्ट होता है तुअर फल्ली से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में। ओके, सबसे पहला दिन अपना मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, तुअर फल्ली डाल देते। उसके बाद बकरे लोग को पानी वानी तो नाप तोल के देते हो एक सर्टन अमाउंट, वो एक हाथ का अंदाजा रहता ना आदमी लोग को, क्या रेगुलर आदत रहती है, बकरे याद भी रहती है कौन कितना खाता है। खसियों में तो डायरेक्ट घमेले के हिसाब से डालते हैं। ओके ओके। और सो सबसे पहले जाता है ये कितने बजे? ये सुबह अपना हो जाता है 9:30 बजे। इसके बाद क्या है? इसके बाद बकरों को, सारे बकरों को पानी दिया जाता है। सब बकरे पानी में कुछ मिला के दिया जाता है? अब बकरे का सीजन के हिसाब से चलते, जैसे गर्मी का महीना आता है तो गुड़ चलाते हैं। ओके। ठंडी में कैसा कभी कभी ऑल्टरनेट चलाते हैं, हिमालय बत्ती सा भी डाल के चलाते हैं पानी में। ओके। और सादा पानी भी रहता है, मतलब ऑल्टरनेट्स चलते रहते हैं। ओके सो सबसे पहले ये, फिर इसके बाद पानी पिलाया जाता है बकरों को कितने देर बाद? मतलब वही, मतलब खाने के डाल दिए इन लोग ने, तुअर फली डाले, उसके बाद समझो ना आधा एक घंटा, थोड़ा भाई ठंडी का महीना है तो थोड़ा लेट ही पिलाते, थोड़ा मौसम गर्म हो जाता है ना। ठीक है, तो उसके बाद पानी, उसके बाद क्या दिया जाता है पानी पीने के बाद? पानी के बाद उसके बाद हरी पत्ती डाल देते दोपहर में एक बजे। ओके, 1:30-1:30 बजे पत्ती डाल। बहुत से लोग मैं देखा हरी पत्ती में मकई मिक्स करके डालते हैं, सबका अपना अपना। आप कैसे डालते हो? सिर्फ हरी पत्ती डालते हो? प्लेन, ये फिल्टर्ड हरी पत्ती है? ये फिल्टर हरी पत्ती। ओके, क्या मशीन है अपनी? देखो फिल्टर मशीन की, ये फिल्टर मशीन है, इससे अपन फिल्टर करते, फिल्टर होने के बाद भी इसको वापस फिल्टर कर लेते ताकि क्या मिट्टी विट्टी जो रहे वो भी निकल जावे। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बकरे लोग को रेस्ट दे देते अपन, समझो ना, उसके बाद कुछ नहीं है, सीधा शाम में अभी जैसे अभी ये टाइम पे अपन बैठे अभी फीड बन रहा है और अभी डाला जाएगा, ये पूरा फीड चलेगा प्रोसेस। सो और फीड में हमारे पास है जौ है, देन वी हैव मकई, गोला जीरा और गेहूं। तो ये क्या प्रोपोर्शन में कब डाला जाता है कि मिक्स करके डाला जाता है? जी अपने हिसाब से मैं बताता हूँ, बनाया हूँ जी, जो मेरा प्रैक्टिकल है आप बता दीजिए अभी, फिर देन विल शो। अब वही जैसे अभी सीजन, अभी जैसे अभी ठंडी का महीना चल रहा है तो जौ हम कम कर देते और मकई की क्वांटिटी बहुत बढ़ा देते हैं, मकई और गेहूं बढ़ जाता है। तो ये शाम के टाइम पे जो जा रहा है वो मिक्स होके जा रहा है? मिक्स होके जाता है। सो व्हाट यू आर मिक्सिंग इज जौ, मकई, गोला जीरा और गेहूं। क्या प्रोपोर्शन में आप डालते? बस वही जैसे अभी, अब इक्वल प्रोपोर्शन नहीं, इक्वल नहीं रहता है, बस गर्मी के अंदर जौ बढ़ा दिया जाता है और ठंडी में जौ को कम कर दिया जाता है बस। ओके, क्या आज बेनिफिट्स बताइए आप सभी के जौ? देखो वेट गेन के लिए तो अपना जौ और ये गोला, ये मकई है बेस्ट, और गेहूं भी फैट्स के लिए बहुत अच्छा है कि चर्बी जो बनती है ना गेहूं से बहुत अच्छी बकरे में आती है। ये जो कॉर्न जो है वो टुकड़े वाले रहते हैं? अखे देते हम। और कॉर्न्स का क्या काम है? कॉर्न्स और जौ तो क्या मसल्स बहुत अच्छे बनाते हैं और ठंडी के महीने में कॉर्न्स ना अपने बहुत काम आते हैं, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहे मकई का अभी के महीने में, मतलब ठंडी के 5 महीने अगर बकरा पूरा नीट मकई भी खाए तो आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा। ओके, ये कितना ऑन एन एवरेज एक बकरा जो है महीने में कितना खा लेता है? कौन बकरा देखो खाने वाला बकरा 20 किलो? क्या कितना दिन में कितना किलो खा लेता है? दिन का बकरे के ऊपर 70 किलो का बकरा कितना खा लेगा? बकरे के ऊपर है भाई, कुछ आइडिया नहीं, बकरा ज्यादा भी खाता है कम भी खाता है, ऑन एन एवरेज कितना खाता है? आप पकड़ के चलो ना 1 किलो के ऊपर, 1 से 1.25 किलो तो खाता ही है बकरा, तो 30 किलो तो लगता ही है टोटल आइटम, मतलब एक अनाज की प्रोपोर्शन है जो महीने का समझो 40 kg। अच्छे बकरा अगर बड़ा बकरा है तो 2 kg तक भी खाता है पर डे में। ठीक है, बेनिफिट हरी पत्ती बीच में बड़ा महंगा हो गया था तो लोग, कम भी होएगा अभी, कम भी हो गया ना मेरे ख्याल से, अभी 25 रुपए में डबल फिल्टर आ गया, हार्वेस्टिंग सीजन ना, हाँ अभी सीजन है ना, सीजन में कम होना ही है हरी पत्ती, इसका कोई लेकिन वापस से बढ़ेगा, अल्टरनेटिव कोई नहीं है इसका। हरी पत्ती कैसा है ना, इसके अंदर कोई फ्रूट्स लगता नहीं है ना, तो इसके अंदर कोई केमिकल्स रहता नहीं है, हर जो हरी पत्ती के अलावा जितने ये सब है जैसे तुअर फल्ली है इसमें तुअर निकलती है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिससे ना बकरों को अक्सर रसौली आती है। अगर आप तुअर हटा भी दो सिर्फ हरी पत्ती खिलाओगे ना जो मैक्स, मतलब और कोई चीज़ नहीं, या चाहे मसूर का भूसा आता है और अपना गांव के अंदर अलग अलग भूसे मिलते हैं वो सब के अंदर केमिकल रहता है। ओके, जो गाट अक्सर आती है ना कुछ बकरों को वो गाट उसी रीज़न से आती है, वो केमिकल से आती है। अच्छा,
अब ये हरी पत्ती में ना 180% तो समझो प्रोटीन लेवल है इसके अंदर, क्या के फल है ही नहीं कोई चीज़ का, तो इसमें कभी कोई केमिकल पड़ता नहीं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट बकरों को आता है डाइजेशन के अंदर, और प्रोटीन लेवल भी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। ओके ओके ठीक है, तो ये है इनका, ये सारा मिक्स करके अभी डालेंगे, विल शो जी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, बन गया अपना अनाज? बन ही रहा अनाज, बन रहा है, 5 मिनट लगेगा इंशाल्लाह, वो हो जाएगा रेडी। पॉज करता हूँ वीडियो देख के। सो इसके अलावा जब तक कि अनाज बन रहा है, और ये सब क्या है डब्बे में? ये सब टॉनिक्स है और लिक्विड सप्लीमेंट्स होते हैं। ये क्या है? कौन सा? वबैक का, ये वाला, ये वबैक का जो है, ये वबैक का ब्रोटोन है। ब्रोटोन, क्या फायदा है? अंडुल लोग को खासकर ब्रोटोन देता हूँ, पूरे अंडुल बकरे जो होते हैं मतलब उनको ब्रोटोन देता हूँ स्पेशली अलग से, जिससे उनकी भूख अच्छी होती है, लीवर को पावर अच्छा आता है हाजमे के लिए। ओके, तो और उसमें कैसा है कि थोड़ा सा बकरा अच्छा रिलैक्स फील करता है, स्ट्रेस फ्री भी हो जाता है। ओके, और किला गर्म बहुत होते हैं, खस्सी बकरों को इतना स्ट्रेस नहीं हो जाता, मतलब एग्रेशन आता नहीं, क्योंकि वो पहले से एकदम साइलेंट रहते हैं। ओके, अंडुल के अंदर बहुत एग्रेशन है, ब्रोटोन से थोड़ा सा उसका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, भूख भी अच्छी होती है, खाने में बकरा बहुत तेज़ होता है। ठीक है, बाकी के दो, ये शार्कोफेरोल है, ये कहता है बकरों के अंदर कमजोरी वमजोरी कभी अपने वजह दिखी, खून वून की कमी होती है बकरों के अंदर, वो डायग्नोस के ऊपर है, वो अपना डॉक्टर से कंफर्म कर लेना, कोई ऐसा मेरे बोलने पे नहीं खिलाना। ओके, वो मेरे हिसाब से मैं वेटनरी डॉक्टर, हाँ, वो मेरे हिसाब से मैं देता हूँ जिन बकरों को नेसेसरी जाती है। और ये टॉनिक कौन सी? मल्टी स्टार है ये, ये कितना देना? ये डेली देना? नहीं नहीं, ये 10-15 दिन देता हूँ मैं सब बकरों को, नहीं है स्पेशली सानियन हो गए और बाल वाले बकरों को मैं देता हूँ मेरे हिसाब से। ओके, और ये बड़ी ब्लू, ये कैल्शियम का डब्बा है, कैल्शियम है, ये मैं हर महीने तो नहीं देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपने फीड के अंदर ना वो आता है मिनरल मिक्सचर है। क्या है ये, पाउडर फॉर्म में? नहीं नहीं, लिक्विड फॉर्म होते हैं, पिलाए ओरली पिलाते बकरों को। ओके, अंडुल को खस्सी लोग, खस्सी लोगों को तो पानी में दे देते हैं, इसके अलावा बहुत से लोग हैं ठंडी में तेल पिलाते हैं, तेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और वो जो सॉल्ट लिक्स वगैरह वो तो रखी रहती है, वो तो रहती ही रहती है, काला नमक हर जगह, ये वो डाइजेशन के हिसाब से, बाकी डाइजेशन के हिसाब से गोला जीरा भी है, हिमालय पत्ती सा भी अपन जो दे रहे हैं सब डाइजेशन में ही काम आता है, अक्सर चीज हेल्प कर देती है, हरी पत्ती सब डाइजेशन के लिए हेल्पिंग है। ओके ठीक है, चलिए ये है, इसके अलावा और भी चीज़ होगी, बट दीज आर द मेन थिंग्स। हाँ, मेन थिंग्स ये सब है, और मेडिकेशन जैसा कि डीवॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोलूँगा डीवॉर्मिंग और बकरे को वैक्सीन आप कर दोगे बहुत फ़ायदा रहेगा, वैक्सीन बकरे लेने पे भी कस्टमर को भी फ़ायदा है और फार्मर्स को भी फ़ायदा है। एक होता है जंगल से डायरेक्ट बकरा भी आए, तो अगर आप कोशिश हो आपका अच्छा बकरा होता है तो मैं बोलता हूँ कि आप वहीं वैक्सीन करवा लेंगे, और बकरे को करीब 20-25 दिन भी उसके घर पर रखवा देंगे ना, तो आपकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगी। ओके, ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है। मैं मेरा पर्सनल है, इसलिए मैंने राजस्थान में फार्म बनाया ही इसीलिए। ओके, कि मेरे जो परचेजिंग होती है ना, मैं सारे उधर खरीद के रखता हूँ, वहाँ वैक्सीन करता हूँ, वेट गेन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वेट गेन करना तो हमारा इधर पे लाके काम ही है, तो वहाँ रखना मेरा वो मोटिव नहीं है कि वेट आवे, बस बकरा वैक्सीन हो जाए सेट हो जाए, फिर यहाँ लाने के बाद 1 महीने बाद आप बकरे को दाना पानी पर बिंदास करो, 90% मॉर्टेलिटी गिरती है, जो मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, बाकी सबका अपना अपना होता है। ठीक है, चलिए, विल वेट फॉर दी जी जी अनाज टू कम आउट जी, इंशाल्लाह देखें किस शॉप से, देखना है तो देख लो भाई, थोड़ा सा बना ही रहे। जो गोला जीरा हो गया, मकई डालेंगे, ये मिनरल मिक्सचर, सो गोला जीरा जौ दो ही दिख रहा है मेरे को, गेहूं भी अंदर, अच्छा मकई अभी डालेंगे, हाँ, मकई और गेहूं डालेंगे, मकई की प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है ना, गेहूं गोला जीरा कम होता है, जौ मीडियम रहता है। ओके ओके ठीक है, जब डालेंगे तब हम एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो ये देखो तड़प, हाँ उसको नहीं डाले, अच्छा इसको खाली पत्ती, पर पत्ती को मुंह नहीं लगा रहा, उसको दाना ही चाहिए ना, अभी थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम आया था उसको कल 2-3 दिन पहले, तो लेंडी का कम कर रहा था, उसको अपने दाना बंद किए और हरी पत्ती पे रखे, जब तक डाइजेशन प्रॉपर हो जाए फिर दाना। ओके ओके, तो यही डिफरेंस होता है खुद पालने में और एक्सपर्ट लोग के पास देने के लिए, इनको पता रहता है भाई, वो चीज़ जब आपके सामने होगी कि बकरा दाना भी आज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये है आला दल गोट फार्म की फीड। थैंक यू सो मच आमिर भाई फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू सो मच।